ट्रैक्टर फंसे क्यों? कमजोर होगा जब तो फंसेगा, फिर उसमें एक और जोड़ोगे आगे से, जब दो डबल एक साथ मिलेंगे तब वो आगे खींचेगा। तो तब ऐसा काम करो क्यों जो दूसरा भी जोड़ना पड़े। अकेला ट्रैक्टर मजबूत रखो, और जब दो ट्रैक्टर जोड़ोगे तो तेल भी ज्यादा ही खाओगा, है खावे ना पता, तो भाई रिश्वत भी ज्यादा ही लेगा है, और भ्रष्टाचार भी ज्यादा ही करेगा। तो इन भ्रष्टाचारियों को देखिए, आप लोग किसान है, हम लोग 13 महीने बॉर्डर पर रहे, 750 किसानों की शहादत हुई। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार ये नहीं कही कि मुझे खेद है कि मेरे देश का किसान सही नहीं है। हमारे किसानों उनके सांसद ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी, वो सांसद आज भी उनके बराबर में बैठा हुआ। तो मैं आप लोगों से एक अपील करने आया हूँ, जब भी तुम्हारे बीच बीजेपी का या उसके गठबंधन का कोई व्यक्ति आए, उससे पूछना कि 750 किसानों की जब शहादत हुई, ना वो संसद में बोले, ना वो सड़कों पे बोले, ना आप लोगों के बीच बोले। तो क्या आप लोग 750 किसानों की शहादत को भूल जाओगे? क्या आप लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाओगे? क्या आप 2019 को जब हमारे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से हारे थे, तो बीजेपी के एक सांसद बने हैं अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के, सुधांशु त्रिवेदी, इसने टीवी पर बैठ के कही थी कि भाई चौधरियों की चौधराहट आज हमने खत्म कर दी। सच बताता हूं, उस दिन मैं रोया था, मैंने रोटी नहीं खाई थी उस दिन, कि आज हमारी इतनी हैसियत हो गई कि आज हमारी चौधराहट खत्म हो गई, क्योंकि हमारी चौधराहट तो ना मुगल खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए, ना 67 साल की पिछली सरकारें खत्म कर पाई। तो ये काले अंग्रेज क्या हमारी चौधराहट खत्म कर देंगे? ये हमारी चौधराहट। तो अब हमारा एक साथी उसी चौधरी परिवार का पता नहीं किस कारण से, किस दबाव में, किस मजबूरी में उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। दुख बहुत है, या तो हमें बताता कि ये मजबूरी है, जब हमने उसको हारने पे भी सिर पे बैठा के रखा, तो जीतने पे तो हम बहुत ऊपर लेके जाते। चलिए वो उनकी इच्छा रही, तो जो युवा है वो अपने रोजगार के लिए लड़ना, अगर इस बार ये सरकार दोबारा आ गई तो रोजगार आप भूल जाना, और आपके बच्चों की शादियां तक भी नहीं होगी, क्योंकि हम तो शादी कहां देखा है, या तो पुलिस में हो या मिलिट्री में हो, और तो डिप्टी कलेक्टर तो कोई समझता ही ना, एक आदि बने, और मिलिट्री की उन्होंने करी थी 4 साल की बंधुआ मजदूर की। तो देखिए जो किसान है वो 750 किसानों की शहादत को याद रखते हुए बटन दबाना, जो युवा है वो अपने रोजगार के लिए और अग्निजीत को खत्म कराने के लिए बटन दबाना, जो महिलाएं हैं वो अपने सम्मान के लिए वोट दबाना, और जो कर्मचारी है वो अपनी पुरानी पेंशन के लिए वोट दबाना, और जो छोटा व्यापारी है वो अपने व्यापार के लिए वोट दबाना, और एक ही वोट दबा देना कि भाई इन नालायकों को हटा दे, तो इसलिए आपके साइकिल का ही बटन दबा देना। मीडिया को भेज दो तुम, और इसकी जिम्मेवारी मैं उसी दिन खत्म कर दूंगा, तब आ जाएगा यार, जो काम ना करो तो ताऊ का कुर्ता पकड़ लेना, यहीं से करा दूंगा वही बैठा बैठा। अब आप लोगों की वजह से मैं भी समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बन चुका हूं अपने जी, इसलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं कि ताऊ जी अगर कैराना में और मुजफ्फरनगर में कोई कमी रह जा तो वादा करके आना, पूरा हम करेंगे, ये अखिलेश जी ने कहा। तो भाई खाद के कट्टे में चोरी नहीं हो रही 10 किलो की, समय बहुत कम है, मजबूरी है कि समय कम है, और जिता देना, जिताओगे हाथ आके बता दो, अभी हाँ ना कर लो यही। भाई हम तो वही वाले जाना है कि या तो हाँ या ना, तो बताओ हाँ है या ना है, बस कसम खा ली ना। भाई देखो बिरादरी का नाम इच्छा मत कर दियो, मैं भी आया हूँ कुर्ता फजा के वोट मांग रहा हूँ, दे दियो।
मगर दूसरी सीट पे ही उनसे ही लेनी मुझे, मुझे पन्नगर में तो यहाँ दो और वहां दो, बदला कर दो एक काम, तुम इसे भेज दो ये उसे भेज देगा, दोनों हमारे रहेंगे और खूब लड़ेंगे। यो भी इंग्लैंड पढ़ के आई, यो वहां अंग्रेजी में लड़ेगी और हमारा एक देशी राज होगा।